हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं रहीम खान, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एंकर डिजिटल पॉइंट। गाइस, आप सभी को पता है कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन लगा है तकरीबन सभी शहर के अंदर। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स ऐसे आ रही हैं कि भाई हमें बता दीजिए कौन सी वो कंपनी है जो लॉकडाउन में भी लोन दे रही है। तो गाइस, अगर आज की वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आप ले सकते हैं घर बैठे पूरे 50,000 रुपये का लोन अपने बैंक अकाउंट में केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर। जी गाइस, केवल आधार कार्ड पैन कार्ड पर आपको यहाँ पर लोन मिलने वाला है। लाइव प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर लोन मिल चुका है। अगर आप भी लेना चाहते हैं घर बैठे लोन, वीडियो की बिल्कुल मत करना, हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, देखते हैं कौन सी वो कंपनी जो देती है आपको घर बैठे 50,000 रुपये का लोन इस लॉकडाउन में भी। चले शुरू करते हैं। गाइज, अगर आप लेना चाहते हैं घर बैठे इमरजेंसी लोन पूरे 50,000 रुपये तक का इस कोविड-19 में भी, लॉकडाउन लगा है लेकिन ये कंपनी आज भी लोन दे रही है। जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे सीधा प्ले स्टोर में जाएंगे, एप्लीकेशन आपके सामने है जिसका नाम है स्टेसफिन। जी गाइज, ये एक ट्रस्टेड NBFC है, RBI अप्रूव्ड है, टेंशन फ्री होकर आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको क्रेडिट कार्ड भी देती है। जी हाँ गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेसफिन इंस्टेंट क्रेडिट लाइन एंड पर्सनल लोन ऐप। दरअसल आपको यहाँ पर एक क्रेडिट लाइन मिलती है जिसको आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड मिलता है, कैसे मिलता है मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। मुझे यहाँ पर इस कंपनी ने लोन दिया है, कितना लोन दिया वो भी आगे दिखा दूंगा। आधार कार्ड पैन कार्ड पर यहाँ पर लोन मिलता है। आगे बढ़ने से पहले आप भी अपने पास रख लीजिए आधार कार्ड और पैन कार्ड, क्योंकि तभी आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। ये कंपनी आधार कार्ड पैन कार्ड पर लोन देती है। अगर मैं बात करूँ रेटिंग की, 4.0 रेटिंग है, 1 मिलियन ज़्यादा लोड की जा चुकी है वाली एप्लीकेशन। और जैसे कि मैं आपको बोल रहा था गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं स्टेसफिन क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पर मिलता है। ये कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग करने के लिए और आप इस कार्ड के जरिए ATM से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ डिटेल में कंपनी की, तो गाइज कंपनी आपको यहाँ पर बोलती है कि भाई हमारी जो कंपनी है ये RBI अप्रूव्ड NBFC है, जहाँ पर आप 5 लाख रुपये तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो आपको यहाँ पर 50,000 रुपये का लोन ही बोल रहा था, लेकिन कंपनी आपको बोलती है कि भाई हम आपको 5 लाख रुपये तक का लोन दे सकते हैं। 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट लाइन हम आपको यहां पर दे सकते हैं। स्टेसफिन एक ऐसी कंपनी है जो एक ट्रस्टेड कंपनी है इंडिया के अंदर, जहां पर आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपको जो कार्ड मिलता है उस कार्ड को यूज करके आप ATM से पैसे भी निकाल सकते हैं। मिनिमम 1,000 मैक्सिमम 5 लाख रुपए की लिमिट आपको यहां पर मिल सकती है और ये लोन आपको मिल सकता है 3 महीने से लेकर 36 महीने तक के लिए। लोन लेने के लिए आपको अपने पास जो डॉक्यूमेंट्स रखने हैं उसमें आधार कार्ड पैन कार्ड देना होगा। आपको बैंक स्टेटमेंट भी आपको यहां पर देनी पड़ सकती है। वैसे आपको स्टार्टिंग में बिना स्टेटमेंट के ही लोन मिल जाएगा, लेकिन बाद में आपको यहां पर बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ सकती है। लोन लेने के लिए अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करेगा तो यहां पर ही बोलते हैं कि भाई आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, आपके पास रेगुलर मंथली सोर्स इनकम आनी चाहिए। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की डिटेल में, जो हमने बता रखा है यहां पर बोले कि भाई एड्रेस प्रूफ में आप यहां पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट में से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप यहां पर वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको पैन कार्ड देना होगा और गाइज आपको यहां पर बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। ITR भी आपको यहां पर देनी पड़ सकती है अगर आपको ज्यादा लोन के लिए अप्रूवल मिलता है। तो चलिए, आप जो अपने पास रख लीजिए आधार कार्ड पैन कार्ड, फिलहाल तो आधार कार्ड पैन कार्ड पर भी आपको यहां पर लोन मिलेगा और आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। गाइस, जैसे एप्लीकेशन ओपन होती है इंटरफेस आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा आपके मोबाइल नंबर, आपके ईमेल आईडी से। जैसे आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। तो चलिए मैं यहां पर लॉगिन कर लेता हूं क्योंकि मैंने पहले से यहां पर जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, तो यहां पर ये जो है मुझसे मेरा पिन कोड ही मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है, पहले ही मैंने लॉगिन कर लिया। और लॉगिन करने के बाद जो इंटरफेस है वो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लेकिन आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा। आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में बोलेगा भाई अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिए। मुझे यहाँ पर इन्होंने 9,000 रुपये के लोन के लिए ऑफर किया है, साथ में 301 रुपये का कैशबैक भी मुझे यहाँ पर ये दे रही है। देखिए गाइस, यहाँ पर बहुत सारे लोन आपको दिखाई दे रहे हैं, 9,000 का है, 7,500 का है, 5,000 का है, 3,000 का है, 1,500 का है और 500 का है। दरअसल यहाँ पर क्या है गाइस, इनके कुछ लेवल है, आपको ये लेवल कंप्लीट करने होंगे और एक लेवल ऐसा आएगा उस लेवल पर जाने के बाद में आपको ये क्रेडिट कार्ड देंगे, स्टेसफिन क्रेडिट कार्ड आपको देंगे। अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रही हैं कि भाई आप क्रेडिट कार्ड के बारे में बोल रहे थे क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा, तो मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता रहा हूँ, ये सारे लेवल कंप्लीट करने के बाद एक लेवल आपके सामने ऐसा आएगा जहां पर आपको लोन लेने पर स्टेसफिन क्रेडिट कार्ड
मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, लोन अप्लाई करने से पहले तो अपनी प्रोफाइल ही कंप्लीट करनी होगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर जो है प्रोफाइल में जो करना मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आपका फुल नाम डालना है, ईमेल आईडी डाल देनी है, आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा, पैन कार्ड के नंबर को वेरीफाई करना होगा, कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना होगा, आधार कार्ड से EKYC करनी होगी। पर उसके बाद गाइज आपको प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसके अंदर आपको जो है आपकी कंपनी का नाम वगैरह बताना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे आपको यहाँ पर, जिसमें आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक फोटो अपलोड करनी है। अगर आप देखेंगे अभी स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर केवल आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटो अपलोड की है, इसके अलावा मैंने आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया। आप चाहे तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा लिमिट लेना चाहते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आपके पास, और मतलब सिग्नेचर वगैरह अपने प्लेन पेपर पर करने के बाद वो भी अपलोड आप यहाँ पर कर सकते हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पर बैंकिंग डिटेल देनी होगी, जिसके अंदर आपको आपके बैंक की पूरी डिटेल देनी होगी, जिसमें आपके पैसे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, यानी तकरीबन आपके पास तो होंगे ही सारे डॉक्यूमेंट्स, जब आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एक लिमिट मिलेगी। जो लिमिट अभी आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, मुझे यहाँ पर 9000 रुपये की लिमिट ये दिखा रही है, लेकिन स्टार्टिंग में गाइज मुझे यहाँ पर 500 रुपये का लोन मिला था। ठीक है, उसके बाद 1500 का मिला, उसके बाद 5000 का, फिर 7500 का, अब 9000 का मुझे यहाँ पर ये लोन दे रही है। जब आपको यहाँ पर लिमिट मिल गया, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, लोन के लिए अप्लाई करना है। कैसे करना है, अप्लाई नो पर आपने क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई नो पर क्लिक करेंगे, पेज आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। गाइज मैं आपको बता दूँ, स्टेस्पिन एक ऐसी कंपनी है जो आपको ज़्यादा दिनों के लिए लोन देती है। अगर आप देखेंगे अभी स्क्रीन पर, मुझे ये जो 9000 रुपये का लोन है 3 महीने के लिए मिल रहा है। अगर मैं चाहूँ 3 महीने के लिए लोन ले सकता हूँ। अगर मैं आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके देखो तो गाइज पेज आपके सामने ऐसा ओपन होगा। यहाँ पर ही बोले भाई सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी EMI चूज कर लीजिए, कितने महीने के लिए आप ये लोन लेना चाहते हैं। अगर मैं आपको 1 महीने के लिए करके दिखाऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं गाइस, ये लोन मुझे मिल रहा है 1 महीने के लिए 9550 रुपए का लोन यहां पर अप्रूव होगा, 1100 रुपए इंटरेस्ट लेगा, 550 प्रोसेसिंग फीस लेगी, 9000 मेरे बैंक अकाउंट के अंदर मुझे मिलेंगे, 10650 का टोटल रीपेमेंट मुझे यहां पर करना होगा, तकरीबन 1650 मेरे 1 महीने में जाने वाले हैं एक्स्ट्रा। अगर मैं ये लोन लूँ 2 महीने के लिए तो गाइस 2 महीने में मेरे 11500 रुपए जाएंगे, 9000 मेरे अकाउंट के अंदर मिलेंगे, तकरीबन 2500 रुपए एक्स्ट्रा जाएंगे। और अगर मैं ये लोन लूँ 3 महीने के लिए तो 12600 जाएंगे, यानी हर महीने 1000 रुपए आपके बढ़ते चले जाएंगे, तो 3500 तकरीबन जाएंगे 3 महीने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करूँ कि आप स्टार्टिंग में लोन जो है 1 महीने के लिए ही लें, ताकि आपका एक तो सिबिल भी बना रहे, दूसरा ये है कि आपका ज़्यादा आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी ना देना पड़े। 1 महीने में जब आप टाइम से रीपेमेंट कर देंगे वापस इसका, तो आपके लोन अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और आपको क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पर मिल सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर जब आप यहाँ पर चूज़ कर ले कितने दिन के लिए आप ये लोन ले रहे हैं, सिंपली आपने गेट लोन पर क्लिक करना होगा। गाइस जैसे आप गेट लोन पर क्लिक करेंगे, आपके लोन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी स्टार्टिंग में। ठीक है, तकरीबन 24 घंटे का वक्त लगता है स्टार्टिंग में, जब आप लोन अप्लाई करेंगे 24 घंटे के अंदर आपके लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको मिल जाएगी ई साइन एग्रीमेंट करने के बाद। मैंने यहाँ पर लोन ले रखा है पहले से, अगर मैं इसको गेट लोन पर क्लिक करूंगा तो ये लोन मुझे अभी कभी मेरे अकाउंट के अंदर मिल जाएगा इंस्टेंटली, 30 सेकंड के अंदर मुझे लोन मिल जाएगा। लेकिन मैं ये लोन नहीं लेना चाहता, मैं तो केवल आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर आप लेना चाहते हैं घर बैठे लोन तो आप ले सकते हैं, 50000 रुपये तक की लिमिट आपको यहाँ पर मिल सकती है। कंपनी आपको 5 लाख बोलती है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि 50000 रुपये तक ही आपको स्टार्टिंग में मिल सकता है आपके, अगर बढ़िया सिविल स्कोर है तब। ठीक है, अगर आपका सिविल स्कोर घटिया तो आपको स्टार्टिंग में छोटा लोन मिलेगा, 500, 600, 1000, 2000, 1500, 5000 इतना ही मिलेगा, इससे फालतू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर आप लेना चाहती है लोन, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस लिंक पर क्लिक कीजिए, लोन अप्लाई कीजिए, आपको जल्दी लोन मिलेगा अगर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चले मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।